फरमाया जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है और अल्लाह उसको वहां से देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता वक्ल अल्लाह हसब हु और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है उसकी जरूरियात का वो खुद कफील होता है और उसके काम उसके जुम्मे करम पे होते हैं होके देखे उसका तो जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ते बनाता है हजरत ओफ बिन मालिक रजी अल्लाह तश जई हजूर की खिदमत में हाजिर हुए और गुजार हुए कि मेरा बेटा सालिम सालमकिन की कैद में है और मैं फाकों की हालत में हूं तो फरमाया आल मोहम्मद के पास एक शेर जो है बस इसके अलावा हमारे पास भी खाने के लिए दुनियावी इसबाब नहीं है कहा सबर करो और अल्लाह से डरो और ला वला कुवता कसरत के साथ पढ़ो ये ऐसा वजीफा है एक हदीसी पाक में आता है कि ये ननानवे बीमारियों का इलाज है उसमें सबसे कम दर्जे की बीमारी हम और गम है ये दुखों का मदावा है मुश्किलात का इलाज है और ये वजीफा मेरे हुजूर ने बताया हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह तजूर ने पांच चीजें बताई थी उनमें से पांचवी चीज़ ये थी कि अबू जर कसरत के साथ लाला कुरमायाजाना है ये वजीफा वहां से आया है ये जिंदगी में मामूल बना लो जब फंस जाओ मुश्किल में आ जाओ तो लाहौलावत बिल्ला पढ़ो अल्लाह रास्ते खोलेगा तो हजूर ने तीन चीजें फरमाए अल्लाह से डरोबर करो और कसरत के साथ लाला इल्ला बिल्ला पढ़ो वो फरमाते हैं कि मैं ये अमल शुरू किया अभी घर में बैठा ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैं उठा कि दरवाजा खोलूं, देखूं कि कौन है तो दरवाजा खोला देखा मेरा बेटा खड़ा है और उसके पीछे सौ ऊंट खड़े हैं तो मैंने कहा कि तुम और ये ऊंट कहा मुझे मौका लग गया मैं उनकी कैद से भाग आया और आते आते उनके सौ ऊंट भी हांक लाया हूं वह यार जुक मिन है सोला यह तसिब वो तुम्हें वहां से रिजक देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं उसके हो के तो देखो अल्लाह अकबर अल्लाह के हो जाओ तो फिर वो तुम्हारी जरूरतों का कफील हो जाएगा फरमाया हजरत अब्दुल्ला इबन मसूद रजी अल्लाह तु ने कि किसी शख्स को फकर फाका आ जाए तो वो लोगों को बताए कि मैं आजकल बड़े मुश्किल हालात में हूं हर वक्त लोगों को बताता रहे तो उसकी मुश्किल बढ़ेगी उसकी मुश्किलें आसान नहीं होंगी इस तरह और अगर वो अपनी उस मुश्किल को किसी से शेयर ना करे बल्कि मुसल्ला बिछा के अपने रब से कहे कि मालिक फकर फाका आ गया है और इसका इलाज तेरे पास है इस मर्ज का मदावा तेरे पास है हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया जल्द या बदेर अल्लाह उसको माला माल फरमा देगा ये भी कभी करके देखो मुश्किल आ जाए फाका आ जाए मुसीबत आ जाए किसी से ना कहो सिर्फ अपने रब से कहो फिर देखना उसकी कर्म नवाजियों का मीह कैसे बरसता है फरमाया अल्लाह पर भरोसा करने का जो हक है अगर वह तुम अदा कर दो वह तुम्हें ऐसे रिस्क अता करे जैसे परिंदों को अता कर हम तो दुकान पे जाना होता है फैक्ट्री में जाना होता है हम अपने कारोबार पे जाना होता है नौकरी पे जाना होता है मजदूरी पे जाना होता है हमें पता है कहाँ आज सुबह जाना है लेकिन परिंदों को कोई पता नहीं होता कहाँ जाना है रासुल माल भी नहीं होता लेकिन सुबह निकलते हैं शाम को कभी भी खाली पेट नहीं आए बन तवक्कुल पंछी उड़ दे खर्च ना पल्ले जेरा हो घर से खाली पेट निकलते हैं जब वापस आते हैं तो पेट भरे हुए होते हैं और फिर जो उनकी जरूरत होती है अल्लाह वो सारी जरूरतें पूरी करता है जो जो जरूरत उनकी होती है ये शेर कितना गोश्त खाता है अल्लाह रोज उसे देता है ये हंस रोजाना सुचे मोती खाते हैं और आप मार्केट में लेने जाएं लाखों रुपए लगा के तोले माशे के हिसाब से आप खरीदते हैं फिर भी आपको यकीन नहीं होता कि ये सुच्चे हैं या दो नंबर हैं और हंस दुनिया पे करोड़ों जानवर पाए जाते हैं रोज खाते हैं सुबह भी शाम भी दोपहर भी पेट भर के खाते हैं अल्लाह रोज उन्हें अता कर कहा उस पर भरोसा तो करके देखो वो तुम्हारी जरूरतों का कफील होगा उस पर भरोसा करोगे वो तुम्हें वहां से देगा जहाँ तुझे गुमान भी नहीं होगा इशाद फरमाया जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है और अल्लाह उसको वहां से देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता